बहुत ही ढीठ हो तुम। मुझसे अपना मुंह छुपाने के बजाय तुम मेरे ही सामने बैठकर चाय पी रही हो। आपका खून पी जाऊं? इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। अपनी औकात में आ जाओ रमशा। वरना निहाल से कह के ना तलाक दिलवा दूंगी तुम्हें और इस घर से बाहर निकाल दूंगी। रिफत, क्या हो गया आपको? होश में तो है? ये क्या कह रही हैं आप? जो मैं कह रही हूं ना मिद्दत, तुम्हारी बेटी अच्छी तरह से समझ रही है। अगर इसके कारनामे तुम्हें पता चल जाते ना तो तुम भी समझ जाती, लेकिन तुम दोनों माँ बेटियां तो आपस में दो दो तीन तीन दिन तक बात ही नहीं करती हो। इसे अच्छी तरह से समझा दो मित्र कि अब भी मौका है, मेरी इज्जत करने लगे मैं बचा लूंगी इसे, वरना वरना क्या? मुझे धमकियां देने से बेहतर है वो वक्त याद करें जब आपने दीना को निहाल की जिंदगी से निकालने के लिए क्या कुछ किया था। तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है रमशा, शायद तुम भूल गई हो कि निहाल ने तुम्हारे सामान से वो टिकट और पासपोर्ट्स निकाले थे। रमशा, कितनी बदबख्त हो तुम। मैंने तुमसे पूछा था ना तो कैसे साफ मुकर गई थी तुम। अब नहीं मुकरेगी ये, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ी गई है। मिद्दत, मैं अब इसे ना इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो कि यहां से लेके इसे चली जाओ। ये तो वक्त बताएगा कि कौन यहां रहेगा और कौन यहां से जाएगा। तुम निकाली जाओगी, तुम, और वो भी धक्के मार के, समझी? रिफत, रिफत, तुम बहुत बदनसीब हो रमशा, बहुत पछताओगी। तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। क्या मामा, आप तो चुप करें, सोचने दे मुझे कुछ।